हेलो एवरीवन तो आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है आई होप आप सभी ने 2021 के लिए एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दी होगी तो अभी जो जैसे कि 2020 का एडमिशन नहीं हुआ है तो एडमिशन हो जाएगा बट जैसे आप सभी का 2021 में होगा तो आप लोगों का एंट्रेंस जिस टाइम पे 2020 का हुआ है आप लोगों का डिले नहीं होगा <coughs> आपका डिले क्यों नहीं होगा क्योंकि ये सर जो है कोविड की वजह से डिले हुआ है लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम हमेशा के लिए डिले हो गए हैं आपका जो मोस्ट प्रोबेबली है वो यही है कि जो यूजुअली होता था उसी शेड्यूल पे होगा तो आप अपनी तैयारी अभी से ही स्टार्ट करें क्योंकि देखो जो प्रिपरेशन है जैसे काफ़ी स्टूडेंट को शायद लगता है कि हम जल्दी तैयारी रहे हैं देखो आ क्या है कि इतना इजी भी नहीं है इतना हार्ड भी नहीं है ये इजी और हार्ड जो है वो डिपेंड करता है आपकी तैयारी कितनी है ठीक है तो आपने जब से सोचा कि आपको डी यू एल एल बी में या आप जिस भी लो एंट्रेंस में एडमिशन लेना चाहते हैं लो एंट्रेंस एग्जाम लेना चाहते हैं आपकी तैयारी तभी से शुरू हो जानी चाहिए तो अब जो हमारी क्लास है सबसे पहले हम आईपीसी को ही फिनिश करेंगे आई पी सी और कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट मंथ से देखेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन भी इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे जो है uh, आज हम करने वाले हैं अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन टॉपिक्स uh, को आप अगेन मैं कहूँगी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप नोट डाउन करने के लिए अपनी कॉपीज़ या रजिस्टर नोटबुक जो भी है ज़रूर अपने साथ लेके बैठें ताकि आप सारी क्लासेस जो है साथ के साथ लिखते जाएं और एक और इम्पॉर्टेंट बात इससे रिगार्डिंग कुछ इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल है जो इसमें अभी हम स्टार्ट करेंगे तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ में दूंगी इवनिंग तक दूंगी या दोपहर तक दूंगी तो आपको क्या करना है वो ज़रूर पढ़ने हैं सिर्फ पढ़ना है आपको वो एज ए याद नहीं करना है जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा तो सबसे पहले हम अबेटमेंट की बात करते हैं कि जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ अगर आप आप और आपका फ्रेंड क्लास में लेट आए हो और जैसे आप लेट हो और अंदर टीचर पढ़ा रही है तो अब आप क्या कहते हो अपने फ्रेंड को कि पहले तू अंदर जा आपका फ्रेंड कहता है पहले तू अंदर जा तो यहाँ पे ये एक लिटिल बिट है कि आप इससे थोड़ा सा इसको याद रखने के लिए अबेटमेंट करना यानी कि एक दूसरे को उकसाना तो अबेटमेंट में क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को उकसाता है क्या करने के लिए कोई इलीगल काम करने के लिए ठीक है कोई इलीगल ऑफेंस करने के लिए या तो ऑफेंस ना भी करे उसका कमीशन करने के लिए उसको अटेम्प्ट करने के लिए या उस पर्सन को उकसाना कि वो किसी पर्सन को वो ऑफेंस करने के लिए उकसाए तो यहाँ पे सबसे पहले जो अबेटमेंट यही है कि किसी को इंस्टिगेट करना ठीक है किसी को ये इसको इंस्टिगेट कर रहा है मान लो ए जो है वो बी को बी को इंस्टिगेट कर रहा है क्योंकि बी जो है वो ए जो है वो सी को पसंद नहीं करता ठीक है तो अब ए सी को पसंद नहीं करता है ए ने बी के थ्रू सी का मर्डर करवाना चाहा बी को बहुत ज्यादा भड़काया और इतना भड़काया कि बी से उसका मर्डर करवाया तो यहाँ पे ए जो है क्या कर रहा है बी को इंस्टिगेट कर रहा है ए की लाइब्रेटी बनेगी इसको अब हम बहुत अच्छे से समझते हैं आपको अबेटमेंट भी देखना है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी देखना है क्योंकि दोनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलिस्ट्रेशन बेस्ड ही पूछे जाते हैं तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले अबेटमेंट ये अवेटमेंट का सेक्शन है आपको नहीं याद रखना है जिनके सेक्शन याद रखने होंगे मैं साथ के साथ बताती जाऊंगी उसके लिए जरूरी ये है कि आप मेरी सारी क्लासेस को पूरा देखें और जितना हो सके उतना शेयर भी करें जैसे कि अ पर्सन अबेट द थिंग ऑफ अबेट अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग टू Uh, यहाँ पे यहाँ पे मैं तीन इसमें देखेंगे कंडीशन सबसे पहले जो है इंस्टिगेट करना किसी पर्सन को कुछ भी करने के लिए ठीक है ये एक चीज़ है बहुत ध्यान से वर्ड टू वर्ड आपको देखना है यहाँ पे मैंने इससे बताया कि आप हर चीज़ को देख के नोट कर सको ठीक है और उसके बाद सेकेंड जो चीज़ है यहाँ पे कि एंगेज इंगेजेस विथ वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन इन एनी कॉन्स्पिरेसी यानी कि किसी एक व्यक्ति या उससे ज्यादा व्यक्तियों की कि किसी कॉन्स्पिरेसी में उस कॉन्स्पिरेसी में करने के लिए कॉन्स्पिरेसी एक जैसे कि साजिश करना षड्यंत्र करना वो होता है कॉन्स्पिरेसी ठीक है इसके लिए कोई हेल्प करना ठीक है तो ये जैसे कि इफ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी एंड इन ऑर्डर टू डूइंग ऑफ दैट थिंग ठीक है कि आप किसी की ऐसे मदद कर रहे हो कि वो अपना जो काम है वो पूरा कर सके अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगी थर्ड देखते हैं उसके बाद इंटेंशनली एट बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग ठीक है तो यहाँ पे जैसे कि आपने काफ़ी इंडियन मूवीज में देखा होगा कि क्या होता है कि कोई विलन होता है या कोई हीरो होता है जो वो किसी का मर्डर करके कहीं छुप जाता है ठीक है तो कोई पर्सन उसको अपने घर में छुपा लेता है और जब पुलिस चली जाती है पुलिस के जाने के बाद वो उस पर्सन को उस पर्सन को जाने देता है ठीक है यानी कि उस पर्सन को पुलिस से बचाता है तो इस तरह से आपको समझना है कि एक पर्सन ठीक है एक पर्सन जो है यहाँ पे देखते हैं अः मान लो देखो जैसे कि ए है ठीक है ए ने यहाँ पे अः ए क्या करता है वो बी को पसंद नहीं करता या कुछ भी है ठीक है तो यहाँ पे सी क्या करता है सी जो है वो बी को कुछ नुकसान पहुंचाता है या बी का मर्डर कर देता है ठीक है तो यहाँ पे क्या करता है आ, उसके लिए उकसाता उसे ए है अब उसके बाद यहाँ पे सी उसका मर्डर करने के बाद भागता है तो वो छुपने के लिए क्या करता है ए उसे अपने घर में जगह दे देता है ठीक है ए उसे अपने घर में जगह दे रहा है तो यहाँ पे इस तरह से जो है ये भी किस में आएगा अबेटमेंट में आएगा ठीक है अबेटमेंट में तीन कंडीशन है इंटेंशनली आप ऐड कर रहे हो या तो किसी की कॉन्स्पिरसी में हेल्प कर रहे हो या जो है उस पर्सन को इंस्टिगेट कर रही हो ये तीन चीजें हो जाती हैं तो यहाँ पे कई बार इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी जरूरी है ये सिर्फ आपको एक रीड करके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी ठीक है तो एक एक पर्सन जो है क्या कर रहा है वो अपनी मर्जी से मिस रिप्रेजेंट कर रहा है या अपनी मर्जी से कंसीलमेंट कर रहा है या कोई भी ऐसा मटेरियल फैक्ट जिसको वो क्या कर रहा है वो बाउंड टू डिस्क्लोज यानी उसको डिस्क्लोज करने के लिए बाउंड है या वॉलेंटियरली कुछ भी ऐसा कर रहा है तो उसके लिए भी वो क्या होगा किसके लिए लाइबल होगा इंस्टिगेट के लिए लाइबल होगा यानी कि अगर आप किसी आ, किसी अक्यूज को किसी कन्विक्ट को भी छुपा रहे हो तो आप भी उसके इंस्टिगेट में गिने जाओगे अब देखते हैं यहाँ पे एक इस्टेशन है स्टेशन पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं आप पुलिस जो उसमें पुलिस ऑफिसर है ए पुलिस ऑफिसर है आपको इसे पूरा पड़ना है स्टेशन को ठीक है उसको क्या करना है जेड को अरेस्ट करना है ठीक है जेड ये रहा जेड को इसे अरेस्ट करना है जो कि यहाँ पे है अब बी इस बात को जानता है कि जो सी है ठीक है वो जेड नहीं है बी जानता है इस बात को बी को हम यहाँ पे बी का निशान खतरे वाला है इसको यहाँ कर देते हैं ठीक है बी क्या करता है यहाँ पे इस बात को जानता है और रिप्रेजेंट करता है ए को बी ए को ये रिप्रेजेंट करता है कि जो Z है वो क्या है सॉरी जो C है वो Z है ठीक है अब पुलिस क्या करती है इसको अरेस्ट करने की बजाय इसको अरेस्ट करने की बजाय इसको कर लेती है यहां पे जो B है वो किसके लिए लाइबल होगा यहां पे B ने इंस्टिगेट किया है इंस्टीगेशन बाय द इंस्टिगेशन बाय इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन दिहेंशन उसने C को जो है अरेस्ट कराने में इंस्टिगेशन किया है ठीक है तो यहाँ पे उसके लिए लाइबल होगा अब यहाँ पे कुछ चीजें और हमें देखने जरूरी है कि अबेटर क्या होता है ठीक है अबेटर सबसे पहले वो पर्सन होता है जो अबेट करता है सामने वाले को अबेट करता है इंस्टीगेट करता है हु इंस्टिगेट द पर्सन इस केस में जो अभी हमने इलिस्ट्रेशन देखी इस केस में जो इंस्टिक अबेटर है अबेटर ये पर्सन है बी है अबेटर ठीक है तो अबेटर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं कि बताओ अबेटर कौन है इसमें से या इसमें अबेटमेंट होगा या क्या होगा ठीक है ऑफेंस क्या होगा तो अबेट में अबेटर यही होता है कि जो पर्सन है ठीक है आ, एक जो पर्सन है जो अबेट कर रहा है ऑफेंस ठीक है ऑफेंस कौन सा कर रहा है अबेटमेंट वाला ठीक है तो या तो वो कमीशन करेगा या कमीशन पूरा हो जाएगा या कमीशन पूरा नहीं होगा ठीक है अगर जो है जो उसने ऑफेंस किया है वो कमिटेड हो जाता है कमिटेड होता है तो यहाँ पे वो पर्सन जो है किसके लिए लाइबल होगा उस ऑफेंस के लिए भी लाइबल होगा मान लो जैसे कि इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें कि ए जो है वो बी का मर्डर बी से सी का मर्डर करवाना चाहता था जिसके लिए वो बी को इंस्टिगेट कर रहा था अगर बी उसका मर्डर कर देता है तो ए जो है वो यहाँ पे किसके लिए लाइबल होगा ए यहाँ पे जो है अबेटमेंट के लिए भी लाइबल होगा और किसके लिए लाइबल होगा मर्डर के लिए भी और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर बी इसका मर्डर नहीं करता है तो यहाँ पे जो ए की लाइबिलिटी है वो सिर्फ अबेटमेंट तक रहेगी और बी जो है यहाँ पे अगर कुछ नहीं करता तो उसके लिए लाइबल नहीं होगा करता है तो इसकी लाइबिलिटी भी बन जाएगी ठीक है तो यहाँ पे अब इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत इजी है कि जो अबेटमेंट है वो एक इलीगल ओमिशन है किसी एक्ट का इलीगल यानी गलत जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होता है ठीक है तो यहाँ पे वो क्या होगा कि देखो द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्डो द अबेटर में नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट यानी कि जो अबेटर है वो एक्ट जो खुद नहीं कर सकता वो दूसरों से करवाना चाहता है तो उसके लिए है यहाँ पे अब इसमें इलिस्ट्रेशन इसके इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है कि ए ने इंस्टिगेट किया बी को सी का मर्डर करने के लिए ठीक है आ, और इसके बाद बी ने उसे रिफ्यूज कर दिया बी ने उसे रिफ्यूज कर दिया और ए जो है वो गिल्टी होगा बी को अपडेट करने के लिए इसके बाद बी लिस्टेशन अगर हम देखें तो इसमें ए इंस्टिगेट कर रहा है बी को आ, मर्डर करने के लिए सी का डी का ठीक है बी क्या करता है कि आ, जो डी है उसको इंस्टिगेट कर देता है स्टेप से डी रिकवर हो जाता है अपने जख्मों से डी ठीक हो जाता है तो यहाँ पे ए जो है वो किसके लिए लाइवल होगा ए इज़ गिल्टी ऑफ इंस्टिगेटिंग बी टू कमिट मर्डर ठीक है जो उसकी इंटेंशन है ऑफेंस करने की जो उसकी नॉलेज है ऑफेंस करने की ठीक है मान लो आ कि यहाँ पे जैसे कि मैं किसी को गन से शूट करती हूँ ठीक है अगर मैं किसी पर गन चला रही हूँ तो मुझे इस बात की नॉलेज है कि गन चलाने से किसी पर्सन की मृत्यु हो सकती है ठीक है तो यहाँ पे जो मैं गन चला रही हूँ और मेरे को नॉलेज है तो यहां पे मेरी इंटेंशन क्लियर दिखा रही है कि मैं उसका मर्डर करना चाहती हूं अगर यहां पे मान लो कि मैं किसी को थप्पड़ मारती हूं ठीक है तो वो इस चीज को नहीं दिखाएगा कि मैं उसका मर्डर करना चाहती हूं तो यहां पे ये इंटेंशन नॉलेज ये भी बहुत मैटर करती है अब इसके बाद यहां पे जो है अब हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी ठीक है तो यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आपको दोनों सेक्शन याद रखने हैं इंपॉर्टेंट है ठीक है थीके? तो डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वही होता है कि जब दो या दो से ज्यादा पर्सन ठीक है किसी इलीगल काम को करने के लिए एग्री होते हैं तो अब इसमें देखो एलिमेंट्स निकालते हैं एसेंशियल एलिमेंट कि पहला दो है दो या दो से अधिक पर्सन दो या दो से ज्यादा पर्सन ठीक है अब इसमें एक सिंगल पर्सन जो है वो कॉन्स्पिरेसी के लिए कभी लाइबल नहीं होता है ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि अगर कोई केस uh, है अगर उस तो उसमें एक पर्सन को कभी भी गिल्टी नहीं ठहराया जा सकता कॉन्स्पिरेसी के लिए उसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन होंगे वो एग्री होने चाहिए और जिस काम के लिए एग्री हो रहे हैं वो इलीगल एक्ट होना चाहिए और इलीगल एक्ट के साथ मान लो कि कोई ऐसा एक्ट जो इलीगल नहीं है लेकिन आप उसे इलीगल तरह से कर रहे हो तो भी आप लाइबल हो गए और इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम कोई ऐसा इसमें जो है एग्री होना एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है अगर आप एग्री नहीं हो तो कॉन्स्परेसी कंप्लीट नहीं होगी इसमें तीन इसेंशियल एलिमेंट हैं तीनों इसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जैसे कि पहला हमने देखा आ, ये जो है टू और मोर पर्सन एग्री होना आ, और उसके बाद इलीगल एक्ट अब इसके बाद यहाँ पे ये एक प्रोवाइजो इसका दिया गया है कि कोई भी जो यहाँ पे क्या है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है इनको छोड़ के कि जिसमें क्या है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे कमिट हुई है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगर हुई है तो उसमें इंटेंशन मैटर नहीं करती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है तो कुछ इसमें एक्ट जो है यहाँ पे देखा जाएगा और कंडीशंस को भी देखा जाएगा लेकिन इसमें इंटेंशन मैटर नहीं है आप इसको इन पेंशन के एक्सेप्शन के तौर पे भी समझ सकते हो तो इसमें पनिशमेंट भी इसमें पूछ ली जाती है आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के दोनों को ध्यान में रखना है तो इसका सेक्शन इम्पॉर्टेंट है और इसका सेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है इसके साथ जनरल एक्सेप्शन जो है आई में आ, उनका लास्ट दो ईयर से जो है टू और टू इन दोनों साल में इनका पूछा गया कौन से चैप्टर में फॉल करता है ठीक है तो जनरल एक्सेप्शन जो है यहाँ पर वो पार्ट फोर में फॉल करते हैं अब पार्ट फोर में जो ये आते हैं इसके बाद यहाँ पे हमारा जो है ये शुरू होता है अबेटमेंट ठीक है तो इसके साथ ही यहाँ पे आपको एक और चीज़ मुझे बतानी है वो ये है कि आ, जो पनिशमेंट है पनिशमेंट कितने टाइप्स की होती है आ, जो शायद मुझे फर्स्ट वीडियो में बतानी चाहिए लेकिन मैंने बताई या नहीं बताई ये नहीं पता तो आपको जो है पनिशमेंट फाइव टाइप्स की होती है आप उन्हें जल्दी जल्दी नोट डाउन करना कौन कौन सी होती है सबसे पहले तो जो पनिशमेंट है पनिशमेंट यहाँ पे डेथ पेनल्टी होती है ठीक है डेथ पेनल्टी डेथ पेनल्टी के साथ साथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है ठीक है लाइफ इंप्रजनमेंट होती है इसमें क्या होता है कि वही पूरा कि टिल द लास्ट लास्ट ब्रेथ ठीक है इसमें अब इसके बाद ये सेकेंड टाइप की होगी थर्ड टाइप की जो पनिशमेंट है उसमें इम्प्रिजनमेंट होती है इम्प्रजनमेंट दो टाइप की होती है ये जरूर आप मैंशन करना ये पूछा जाता है तो इम्प्रेजमेंट यानी कि जेल की सजा एक होती है सिंपल इंप्रेजनमेंट ठीक है सिंपल इंप्रेजनमेंट में कुछ नहीं करना होता आपको ज्यादा मतलब जो है परेशान नहीं किया जाता इसके बाद सेकेंड जो है वो राइगेरियस इंप्रेजनमेंट है जिसमें आपसे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है राइगेरियस यानी कि बहुत कठिन है ठीक है इसके बाद यहाँ पे जो है फाइन इम्पोज होता है और फाइन इम्पोज होने के बाद जो लास्ट हम देखते हैं फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का जब्त कर लेना ठीक है ये भी एक पनिशमेंट है अब इस पनिशमेंट के क्वेश्चन फ्रेम होता है कि, कि कितने टाइप की पनिशमेंट होती है जो एक इंप्रिजनमेंट है वो कितने टाइप की होती है अगर देखो लाइफ लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं है और खाली इंप्रिजनमेंट है तो यहां पे वो जिस बारे में बात कर रहा है वो दो टाइप की जो इंप्रेजनमेंट है वो इस बारे में बात कर रहा है ठीक है तो ये टाइप्स ऑफ डेथ के बारे में सेक्शन फिफ्टी या फिफ्टी थ्री ऑफ आई में गिवेन है तो इसके साथ ही अब जैसे ये अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पेरे इससे रिलेटेड कुछ इलेट्रेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप में जरूर दूंगी वो आपको एक भी इलेस्ट्रेशन जो है स्किप नहीं करनी है आप उसे एग्जांपल कहो या इलिस्ट्रेशन कहो ठीक है तो यहाँ पे हम पनिशमेंट देखते हैं इसमें पनिशमेंट पूछी जाती है कि इसमें अब सबसे पहले जो पार्टी क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी कमिट करती है ठीक है उसको जो ऑफेंस डेथ तक डेथ भी ग्रांट की जा सकती है और इम्प्रेजनमेंट फॉर लाइफ भी ग्रांट ग्रांट की जा सकती है और इसके साथ राइगेस इंप्रेजमेंट भी दी जा सकती है और जो राइस इंप्रेजमेंट होगी वो दो साल की होगी उससे ज़्यादा भी हो सकती है और यहाँ पे जो है इसको इस स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया है कॉन्स्पिरेसी को लेके बट ये पनिशेबल है एक ऑफेंस की तरह जैसे कि अगर इसमें जो है इसी तरह से अगर इसमें अबेटमेंट भी इंक्लूड है जैसे हमने अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी एक साथ क्यों किया क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अबेटमेंट में जैसे सेकेंड एलिमेंट किस बारे में बात करता है वो कॉन्सपीरेसी के बारे में बात करता है ठीक है तो कि अगर कॉन्स्पिरेसी में भी आप अब अपडेट कर रहे हो तो उसके लिए लाइबल हो गए तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग भी ये पनिशेबल है और इसके साथ ही यहाँ पे पनिशेबल के साथ या तो उसको क्या किया जा सकता है कि डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सिस्टिंग सिक्स मंथ और विथ अ फाइनल बोथ यानी कि कोई ऐसी पार्टी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से अलग कुछ कर रही है तो वो पनिशेबल होगी उसकी पनिशमेंट ज़्यादा नहीं होगी लेकिन अगर कॉन्स्परेसी क्रिमिनल है तो वो पनिशमेंट आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो इसके साथ ही यहाँ पे आज हमें जो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक करें आपको एग्जाम में ज़रूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखेंगे और इसके साथ पनिशमेंट भी पूछी जाती है तो पनिशमेंट इसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की कम पूछी जाती है आपको कौन आपको क्या करना है कि आप जितने भी जैसे अभी हम जो है अभी दिसंबर में जैसे हमारे एग्ज़ाम्स हैं तो उसके बाद यहाँ पे जैसे एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे मैं आपकी कोशिश करूँगी कि वीक में और क्लासेस ज़्यादा लूँ और वो लूँगी ही एग्ज़ाम्स के बाद ताकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं Uh, हमसे जुड़ रही हैं या काफ़ी स्टूडेंट जो वीडियोस देख रहे हैं उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और इसके साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि मैं मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन नहीं करवाऊंगी उसके लिए आप अभी से प्रैक्टिस करते जाएँ करंट अफेयर्स जो हैं उसकी हम मंथली वीडियो बनाते हैं और करंट अफेयर्स की पी के लिए आपको हमारा हमारी मेम्बरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसके साथ बाकी जो पी हैं रिलेटेड वो हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे तो रिवाइज करते रहो ऑल द बेस्ट सेल्फ मोटिवेटेड रहो और अच्छे से रिवाइज करो एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू